एक तरफा प्यार के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा और ये क्या होता है ये भी हम सबको पता है। एक तरफा प्यार में एक इंसान पागल हो जाता है और उसमें जुनून सवार होता है और वो उस जुनून में कुछ ऐसा कर देता है जिसका परिणाम उसे भी पता नहीं होता। यूं तो एक तरफा प्यार के कई मामले सामने आ चुके हैं लेकिन एक तरफा प्यार का अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दिल्ली में महिला कांस्टेबल की हत्या के 2 साल बाद हुए खुलासे ने सबके होश उड़ा दिए। 2 साल पहले एक महिला कांस्टेबल के लापता होने के राज से जब पर्दा उठा तो बड़े बड़े अधिकारी दंग रह गए। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें से मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह जो वर्तमान में दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। दिल्ली पुलिस के PCR वैन में तैनात एक हेड कांस्टेबल के प्रोफेशनल किलर बनने की ये पूरी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है जिसमें है प्यार और मर्डर। दरअसल दिल्ली पुलिस की PCR यूनिट में 2012 में सुरेंद्र राणा की भर्ती हुई। वह यहाँ हेड कांस्टेबल था। ठीक इसके 2 साल बाद महिला कांस्टेबल मोना की भर्ती 2014 में दिल्ली पुलिस की PCR यूनिट में हुई। यहाँ पर ही सुरेंद्र और मोना एक दूसरे के संपर्क में आए और दोनों की दोस्ती हुई, जहाँ मोना सुरेंद्र को डैडा यानी पिता बुलाती थी और सुरेंद्र उसे बेटा बोलता था। लेकिन बताया जा रहा है कि सुरेंद्र के दिल में कुछ और था। वो मोना से बेहद प्यार करने लगा लेकिन ये प्यार था एक तरफा। एक तरफा प्यार की कहानी चलती रही और उसी समय मोना का सिलेक्शन कुछ समय बाद UP पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए हो गया और वह दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़कर मुखर्जी नगर में UPSC की तैयारी करने लगी क्योंकि मोना का सपना था IAS या IPS बनने का। मोना का जाना सुरेंद्र बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने दिल की बात मोना को बता दी। लगातार मोना को फोन करके परेशान करना और मिलने का दबाव बनाने पर मोना ने इसका विरोध भी किया। लेकिन एक घड़ी ऐसी आई जब सुरेंद्र और मोना की मुलाकात हुई और वो मुलाकात थी आखिरी दोनों के लिए और दुनिया के लिए भी। सुरेंद्र 8 सितंबर 2021 को मोना को लेकर दिल्ली के अलीपुर में अपने घर की तरफ ले गया। यहाँ ऑटो रुकवाकर सुरेंद्र ने मोना का गला दबाकर हत्या कर दी और बड़े नाले में मोना की लाश को फेंक। पुलिस में होने की वजह से आरोपी का दिमाग चलता रहा। वह मृतक कांस्टेबल के परिवार से मिलता रहा, उन्हें 2 साल तक बेवकूफ बनाता रहा। पुलिस को वहीं से हिंट मिला तो पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी टूट गया और उसने पूरी कहानी पुलिस को बता दी। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी की निशानदेह पर महिला सिपाही का कंकाल भी बरामद किया है। फिलहाल के लिए इतना ही।